वज़ीरे तालीम व मेहनत सिंध सईद गनी का कहना है कि तमाम तालीमी इदारे 50% बच्चों को ही बुला सकते हैं, 100% बच्चों को बुलाने पर कार्रवाई होगी। कुछ दिन पहले एक ऐलान किया कि 1 मार्च से पूरे पाकिस्तान में बच्चे 100% हाजिरी के साथ क्लासेस में उसके साथ स्कूल में जा सकते हैं, और फिर साथ साथ ये भी कहा कि SOPs पर अमल दरामद भी करना है। तो हमें ये बात समझ नहीं आई कि अगर आप 100% बच्चों को बुलाएंगे तो फासला कैसे आप मेंटेन करेंगे क्लासेस में, ये मुमकिन नहीं है। सिंध हुकूमत ने, महकमा तालीम ने सूबा सिंध की हद तक जो फैसले पहले से हुए हुए हैं, चाहे वो इंटर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स कमेटी में हुए हों, चाहे वो NCOC में हुए हों, या फिर हमारी स्टीयरिंग कमेटी ने किए हो, हम उन्हीं फैसलों को बरकरार रख रहे हैं। और स्कूल्स में जो बच्चे जा रहे हैं, पहले एक ऐलान किया कि 1 मार्च से पूरे पाकिस्तान में बच्चे 100% हाजिरी के साथ क्लासेस में उसके साथ स्कूल में जा सकते हैं, और फिर साथ साथ ये भी कहा कि SOPs पर अमल दरामद भी करना है। तो हमें ये बात समझ नहीं आई कि अगर आप 100% बच्चों को बुलाएंगे तो फासला कैसे आप मेंटेन करेंगे क्लासेस में, ये मुमकिन नहीं है। सिंध हुकूमत ने, महकमा तालीम ने सूबा सिंध की हद तक जो फैसले पहले से हुए हुए हैं, चाहे वो इंटर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स कमेटी में हुए हों, चाहे वो NCOC में हुए हों, या फिर हमारी स्टीयरिंग कमेटी ने किए हो, हम उन्हीं फैसलों को बरकरार रख रहे हैं। और स्कूल्स में जो बच्चे जा रहे हैं उनकी हाजिरी 50% ही होगी, और 100% अटेंडेंस बुलाने की इजाज़त किसी स्कूल को नहीं होगी।